नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्टडी मैटर में। मैं हूं अरुण और हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उत्तर है 15। अगला प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा के सम्मान में मनाई जाती है तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन है? उत्तर है रमेश चंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि कांजली बेटलैंड पंजाब के किस जिले में है? तो उत्तर है इसका कपूरथला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑफिस से इस्तीफा देने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री है? तो इसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की आधिकारिक भाषाओं या भाषाओं के बारे में बताता है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 345। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है कि जब विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 मई। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? तो उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है कि भाई मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध के दौरान हुआ था? तो जो है 900 BC पूर्व। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया था? तो उत्तर है इसका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि काटा जेना प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जेब सुरक्षा समझौता, बायोसेफ्टी एग्रीमेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी सेल है? तो इसका उत्तर जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। अगला प्रश्न है कि आपराधिक प्रक्रिया का कोड पर लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 1974। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित है? तो यह है स्वर्ण मंदिर से संबंधित। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका उत्तर है नागालैंड की। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अपना 1 फरवरी। 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 244, अनुच्छेद 244 जो है संविधान की जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो इसका उत्तर जाएगा 2005 में। वीडियो अगर पसंद आया है, अगर हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।